अचानक से आए हैं। धनतेरस हो गई हमारी तो, हमारी धनतेरस। क्या करवा रहे हो तुम? तो मैंने कहां से दिखे और एकदम से मेरे मन में आए भैया चलो बोल बंसी वाले की जय। तो कुमार लाने के लिए पहले वाले जो होता है उसको उनको विसर्जन कर देते हैं। हमारे पास कैसे पुराने वाले राजा को विसर्जन करके और ऐसे अपने लड्डू गोपाल को छोड़ देते हो, कैसे मन मारता है? जय राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय। जय जय क्या है ये मतलब? नहीं मैं समझ गई, वो तो कृष्ण अंदर आओ। देखो मैं गौ को रोटी देती हूँ, मेरी गाय नहीं आई आज सुबह 7:15 बजे गौ आ जाती है, गौ नहीं आई आज। ठीक है ठीक है, मैं बोल रही मेरी गाय की रोटी रखी है, गौ नहीं आई, गौ नहीं आई आज। उनने दूसरी भेजी, देखो वो कहाँ बैठी है, निगम के बगल में। ठीक है, मैं रोज चप्पल पहन के मंदिर जाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, मैं चप्पल पहन के जाती हूँ। आज मेरे मन में एकदम से पता नहीं चप्पल पहनते तो भाव आया कि नहीं नंगे पर चलो। मैं कही मैं रोज मंदिर जा रही हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ, रोज रोज जाती हूँ, रोज भोले बाबा जल चढ़ाती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करती हूँ। और वो जो मंदिर में वो रखे ना साइड में पीपल दे, वहाँ जे मुझे आज दिख गए, पता नहीं कहाँ से दिख गए और एकदम से मेरे मन में आए भैया चलो। ये एकदम बोले भैया चलो, मैंने कहा यार ये, फिर मैं जल चढ़ाया हनुमान, फिर मैं ले आ गई ये, बोले भैया चलो। और देखो कहाँ अभी रोज जा रही हूँ, लेकिन आज देखो आज मैं नंगे पैर भी गई हूँ, आज मेरा मन में तो मतलब इतनी सेवा होगी क्या पता नहीं क्या। ये देखो रोज आ रही हूँ, कहीं नहीं थे पीपल के पेड़ के नीचे, मेरे एकदम से भैया एकदम से आया। मैं कह रही सरसों के नाम बोल बंसी वाले की जय। कि कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय। जय जय बंसी वाले कन्हैया। मैं आज बोल रही थी कि मैं तो लाडो की हो, तू नहीं सुन रहा मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ, तू नहीं सुन रहा मेरी, मैं तो अब लाडो की हो रही हूँ। ठीक है, तो उसने कहा मैया तू ऐसे लाडो की कैसे हो जाएगी, आएगी मेरे पास ही। आ गए देखो क्या है ये पापा। अरे भैया इन्हें स्नान कराओ गंगा जल से। अपने आप ही बोले हाँ। अरे ये रोज जा रही हूँ मंदिर। ऐसे कैसे आप बताओ, इनकी भी तो भाव ना जैसे ऐसे नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन दिखाई वाली गाय नहीं आती अपने। देखो हाँ, आज गाय माता नहीं आई है, आज गाय माता नहीं आई है क्योंकि हमारे कैंपस में गाय माता ऐसे नहीं आने देते, और जो यहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं आजकल की वो लोग ही, वो मतलब कुछ नहीं करती है वो ऐसा, लेकिन यहाँ के लोग इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं ना कि मतलब एक बेजुबान जानवर को खाना देने से पानी देने से भी उन लोगों को दिक्कत होती है, और वो लोग मार मार के गाय को भगाया उन्हें कल। और कैंपस वालों की वजह से हमारे जो कैंपस को देखते हैं एक भैया हैं, उन्होंने कैंपस की कैंपस वाले लोगों की वजह से मार के उसको हटाया। उनकी भी गलती नहीं क्योंकि कैंपस वाले अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उनको करना पड़ेगा भाई, तो उन्होंने मार मार के उनको हटाया, और उसकी वजह से आज गाय माता जो हमेशा डेली आती है गेट नॉक करती है वो आज हमारे घर पे नहीं आई है। सुबह से बोल रही मेरी गौ नहीं आई, मेरी माँ मम्मी सुबह से बोल रही है कि गौ माता नहीं आई है, लेकिन आज वो नहीं आई तो दूसरी माता आ गई है गौ माता, और साथ में देखो बंसी वाले मंदिर जा रही थी वो आगे बैठी है। देखो खंडे तक खंडे तो नहीं, नहीं कहीं से कुछ नहीं है ये देखो। अरे भगवान का रूप कोई मैं पूछ रही हूँ कि कोई हो सकता है किसने, मतलब वो तो करा दूंगी। नहीं पीपल का पेड़ है भगत का, वहाँ ये रखे थे, मैं मंदिर जल चढ़ाया और मैं बोली कि आज मैं कुछ मेरे मंदिर। मैंने आपसे क्या बोला था पापा, मैंने आपसे क्या बोला था कि लोग ऐसे भी करते हैं कि नए लड्डू गोपाल लाने के लिए पहले वाले जो होते हैं उसको उनको विसर्जन कर देते हैं। हमारे पास 3 हैं, तो जब लड्डू आए ना तब लाला विसर्जन हुए, ना कुंज है तब ना लड्डू का हुआ, तो आप लोग की भावना कैसे आ जाती है विसर्जन करने की समझ में नहीं आती। मतलब एक छोटी सी चीज़ से भी भावनाएं जुड़ जाती हैं और आप भगवान का विसर्जन करने के लिए तैयार हो। हमको इतनी भक्ति मिली है जो वो सब लड्डू लाला की वजह से मिली है, कुंज आए लड्डू लाला की वजह से ही। तो आप कैसे पुराने वाले राजा को विसर्जन करके और ऐसे अपने लड्डू गोपाल को छोड़ देते हो, कैसे मन मारता है पता नहीं, लेकिन ठीक है आपके घर से हटके हमारे पास आ गए वो सेवा लेने के लिए। ऐसा तो अपन कुछ भी नहीं करते हैं मम्मी, हम तो कुछ नहीं सेवा कर पाते हैं इनकी, लेकिन हाँ ये जरूर बोल रही थी मैं कि तू नहीं सुन रहा है मेरी, मैं तो लाडो के पास जा रही हूँ, अब तो मैं बरसाना जाऊंगी। और उसने कहा मैया ऐसे कैसे जाओगी। अच्छा तभी मैं सोच रहा हूँ आज कुंज ना मैं स्नान करवा रही हूँ कुंज को, मैं भी दिखाऊंगी नहीं क्योंकि स्नान करवाते हुए नहीं दिखाते हैं, स्नान करवाते हुए और श्रृंगार करते हुए। तो मैंने देखा कि आज कुंज ना सर से नहाए हैं, और बहुत सर से नहाते हैं, लेकिन हम क्या उनको मतलब थोड़ा फेस पे ऐसे ऐसे करके करते हैं और बॉडी पे, तो थोड़ा ध्यान से नहलाते हैं कुंज को।
तो आज कोई बहुत सर से नहाए हैं, रगड़ रगड़ के नहाए हैं, चंदन से नहाए हैं, घिस घिस के नहाए हैं आज कोई बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा था कि आज ऐसा कहीं क्यों, क्योंकि कोई आ रहा था ना, मेहमान आ रहा था, सुंदर वाले बाबू बन के बैठना था। तो देखो कपड़े कौन से निकलवाए हैं सुंदर सुंदर वाले, ये देखो उनकी शक्ल तो देखो, लाल लाल हो के आ रहे हैं, लाल लाल। कौन आया मेरे घर, एक छोटा सा लाला बंसीधर आए, बंसी बजाते हुए आएंगे, चैन की बंसी मेरे लाला आए। देखो तो मैंने कहा तू नहीं सुन रहा ना, मैं लाडो के पास जाऊंगी, मैं लाडो से कहूंगी। तो उन्होंने कहा लाडो पास तो जाओ, लेकिन मैं हूँ। तो देखो उन्हें बंसी बजा दी, चैन की बंसी बजेगी अब तो। देखो कुंज कौन आया, कुछ देर रुक जाओ, मैं मिलवा भी तैयार होने के बाद मिलवाना कह रहा है। कुछ क्या करवा रहे हो तू, चल 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 नटकत पाला बच्चा, पता नहीं क्यों लोग आग ऐसे करते हैं अपने लाला को। मैं तो अपने लाला को नहीं, मैं तो कुछ सेवा नहीं करती हूँ सही में, मैं तो कुछ इतने बड़े बड़े सेवाधारी हैं जो सेवा करते हैं, नियम करते हैं, हाँ अष्टयाम सेवा लेके रखी है, सब सेवाएं पद गाना रिझाना। लेकिन हमारे यहाँ एक क्या बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम में जितना हो सकता है उतना ही हम कर पा रहे हैं, लेकिन लेकिन जितना करते हैं पूरे दिल से करते हैं, भावनाएं हैं। बोलते हैं ना कि भगवान तो एक बिस्तर पर बैठ के खाना खा लेता है जिसपे आप सो रहे हो उठ रहे हो, तो पूरी एक किसकी कहानी है मम्मी, वो हाँ उनके आप पता है ना आपको कि उनकी कहानी अगर आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप देखना, मूवी है पूरी। मतलब वो भगवान साक्षात मतलब ऊपर से उन उतर के उनके पास आ गए थे, उनकी उनके खेत को क्या बोलने मम्मी, जो बंजर भूमि पर थी पीड़ित, वो बंजर भूमि को रातों रात उन्हें रातों रात जाटधन्ना को भक्त जन्ना बनाया। जाट का कुछ नहीं था, जाट का तो ये नहीं जानता था कि कौन शालिग्राम कौन ठाकुर। देखे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, अब बहुत मासूम है यार। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो पीठ, हम कैसे सेवा कर पाएंगे इतनी, ये क्या कह रहे हैं, करवा लूंगा मैं। ठीक है कोई बात। अब मुझे ये बताओ कि हमको इनकी सेवा नॉर्मली जैसे हमारे भगवान जी हमारे यहाँ पे विराजमान हैं इस टाइप से रखना है, या जैसे हमारे बच्चों की सेवा होती है लड्डू गोपाल की, वैसे कैसे इनकी सेवा करनी है बताओ। कितने सुंदर ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना मासूम चेहरा है, देखना अचानक से आ गए, हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक से आए हैं। धनतेरस हो गई भाई, तो हमारी धनतेरस हो गई भाई, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी धनतेरस हो गई है और हमारे घर खुद साक्षात बंसी वाले आए हैं, तो हमारी तो हो गई धनतेरस। धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी भी हो गई, हमारी धनतेरस भी हो गई, हमारी सब हो गया। कितने सुंदर हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो हमारे आए हैं सेवा करवाने, वो तो ठीक है अच्छी बात है हम करेंगे भी, लेकिन लोग कैसे अपने लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़ देते हैं। और माना अगर कहीं से खंडित होते मैं समझती भी, चलो ठीक है हो गया, लेकिन अब बिना उनमें कुछ भी है। और लड्डू गोपाल ऐसे होते हैं कि अगर उनको चोट लग, उनको खंडित नहीं बोला जाता, उनको लगता है चोट लग जाती है, तो आप सही भी करवा सकते हो, आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो एकदम सही है, लेकिन कैसे कर देते हैं पता नहीं। हमारे कुंजू को देखो बढ़िया पानी में बैठे छक छक करते हैं, उसको मैं कपड़े पहना दूँ, ठंड लग जाएगी। ठीक है, और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं भाई। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साल भर के जितने त्यौहार थे ना सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस साल दो ठाकुर आए हैं घर पे, एक तो हमारे कुंज बिहारी और एक हमारे बंसी वाले, दो आ गए हैं हमारे, और दो हमारे लड्डू गोपाल पहले से थे लाला और लड्डू। तो बस आज और लाला लड्डू की वजह से हमारे कुंज आए हैं, और कुंज की वजह से हमारे ये बंसी वाले आए हैं, तो इन सबकी वजह से हमारा घर चल रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना है ना। तो यही दिवाली है, हम तो इसमें खुशियां मनाते हैं, हाँ और क्या, हमारा ना आना किसी का ना जाना किसी का, हमारा अब तो बस जो है ये बच्चे ही हैं और यहीं पे लगे रहते हैं हम लोग। बोलो बंसी वाले की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, हरि बोल।